सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए स्पेशल मिक्स क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर से देखिएगा, और साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त संख्या प्रविष्ट करें, यानी कि आपको जो है यहाँ पर एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन गिवेन है और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए दोस्तों, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको जो है हम यहाँ पे रो वाइज सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो 87 हमें दिया गया है इसमें से कि 24 को माइनस कर लेंगे, जिससे कि देखिए हमें 63 मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। तो 87 माइनस 24, तो देखिए जिससे कि हमें मिल गया है 63, ठीक है। उसी प्रकार से जो है हम क्या करेंगे, 40 माइनस का 6, तो देखिए उससे हमें यहाँ पर मिल चुका है 34। तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए कि हमें जो है 39 में से एक ऐसा नंबर घटाना है जिससे कि दोस्तों हमें यहाँ पर 32 मिल जाए। तो हम यहाँ पे क्या घटा सकते हैं, तो देखिए कि अगर मैं 39 में से 7 को घटा देता हूँ तो दोस्तों हमारे पास में 32 आ जाता है। तो इसके लिए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, और यहाँ पे देखिए आपको सीरीज का एक क्वेश्चन गिवन है जो कि काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि इस सीरीज का जो अगला संख्या होगा या फिर अगला जो नंबर होगा वो यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सीरीज जो है वो 6 से 15 की ओर, फिर जो है 15 से 42 और 42 से 123 की ओर जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए 6 से 15 कैसे आएगा, तो अगर मैं इस 6 को मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूं और इसमें से माइनस 3 कर दूं, ठीक है, तो देखिए 6 3 18 हो जाएगा और 18 में से माइनस 3 होगा तो यहाँ पे 15 आ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो है 15 को भी मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 3 और माइनस 3 करूंगा, ठीक है। तो 15 3 45 होता है और 45 माइनस 3 हो जाएगा 42। तो अगले में देखिए कि यहाँ पे भी जो है मल्टीप्लाई बाई 3 और माइनस 3 करेंगे तो 126 आएगा, और 126 में से माइनस 3 कर देंगे तो 123 आ जाएगा। उसी प्रकार जो है हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 और माइनस 3, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 369 आएगा, जिसमें कि हम माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे 366 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे इस जगह पे क्या आएगा तो 366 आ जाएगा, जो कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए के अंदर गिवेन है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, और यहाँ पे देखिए आपको एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गिवन है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि रश्मि जो है वो शरण की पत्नी है, सन्मुख जो है वो शरण का इकलौता बेटा है या पुत्र है, चंदू जो है वो सन्मुख की इकलौती बहन है। तो चंदू का रश्मि के साथ में क्या रिलेशन होगा ये पूछा जा रहा है। तो आई होप आप लोगों को लाइंस में ही जो है इसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं फिर भी जो है आपको यहाँ पर वेन डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि शरण की पत्नी है रश्मि, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई शरण है जिसकी पत्नी है रश्मि, ठीक है, प्लस जो है हम कपल को दर्शाने के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने प्लस के थ्रू एक कपल को दर्शाया है। अब कहा जा रहा है कि शरणमुख जो है वो शरण का इकलौता पुत्र है, यानी कि ये जो शरण है इसका एक पुत्र है जिसका नाम है शरणमुख। चलिए अब क्या बोला जा रहा है कि चंदू जो है वो सन्मुख की इकलौती बहन है, यानी कि इसकी कोई बहन है जिसका नाम है चंदू। चलिए अब क्या बोला जा रहा है, तो चंदू का रश्मि के साथ में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो चंदू का रश्मि के साथ में रिलेशन पूछा जा रहा है, तो इनका रिलेशन जो है वो आपस में माँ बेटी का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वैसे इसका आंसर जो है आपको लाइंस में ही समझ में आ जाता, इतना बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। तो एग्जाम में जो है आप लोग क्विकली आंसर करने के लिए यहाँ पे लॉजिक के थ्रू भी सोच सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अब आप लोग जो है हमें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर जो है आप लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो इसके लिए सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के आप लोग अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद में आपको डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट करके हमारा यूजर नेम जो कि अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा, इसके थ्रू सर्च करके हमें आप फॉलो कर लेना है। वरना आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक दी गई है प्रोफाइल की, तो आप लोग जो है उसके थ्रू भी हमें
फॉलो कर सकते हो। दोस्तों मेक श्योर कि आप जरूर से कर लें, जिससे कि आप लोगों को हमारी आने वाली सारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, पीडीएफ अपडेट वगैरह सब कुछ मिलता रहे। पहली बार क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक करने के लिए आपको कोड यूज में लेना है DPYT10। और दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को अनअकैडमी अनलॉक 20 के बारे में। तो अगर आप लोग अनअकैडमी से अभी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, चाहे एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए या फिर डिफेंस, एसएससी और रेलवे की कैटेगरी में, तो दोस्तों आपको जो है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर अभी 20% का ऑफ दिया जा रहा है। दोस्तों ये जो ऑफर है ये एक लिमिटेड टाइम का ऑफर है, आज इसका जो है लास्ट रहने वाला है, तो इसको जरूर से और जल्दी से एक्सेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है काफी कम प्राइजेस में जो है आपको प्लस सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, जहां पर डिफेंस की टॉप फैकल्टीज के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। तो अगर आप लोग कोड यूज लेते हो DPYT10, तो आपको जो है यहाँ पर आज के लिए 20% का ऑफ दिया जा रहा है, तो इसका फायदा उठाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे जुड़ी हुई लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवेन है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको गिवेन है कि सोडियम धातु को कहां पर रखा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और आपके ICG एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए ऑप्शंस हैं कि पानी, अल्कोहल, पेट्रोल या फिर मिट्टी का तेल। तो देखिए पोटेशियम जो होता है ये एक काफी क्रियाशील धातु है, और ये जो है ना हवा के साथ में अभिक्रिया भी जो है आसानी से कर लेती है और आग पकड़ लेती है, तो इसीलिए जो है इसको सोडियम को जो है ना केरोसिन के तेल में, यानी कि जो मिट्टी का तेल होता है, इसके अंदर डुबा करके रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, और यहां पे देखिए क्वेश्चन गिवन है कि तुगलक वंश में निम्नलिखित सुल्तानों में से चांदी के सिक्के की बजाय जो है तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे। तो ऑप्शंस गिवन है कि फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक या फिर महमूद तुगलक। तो दोस्तों इसके लिए जो है आपको पता होगा आंसर, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है वैसे ये, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो वैसे तुगलक वंश का सबसे योग्य और शिक्षित शासक भी माना जाता है, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसकी किस्मत भी काफी खराब थी, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसने जो है चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के जारी किए, ताकि ये जो है आपके चांदी की कमी कर सके और जिससे कि क्या है कि इसका जो राजकोष होता है वो भरा रह सके, ठीक है। लेकिन क्या होने लगा कि तांबा जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता था मार्केट में, तो लोग जो है तांबे के सिक्के घर पे बनाने लग गए थे, जिससे कि इसकी ये योजना जो है वो फेल भी हो गई थी, ठीक है। तो वैसे इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपको यहाँ पर एक स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन दिया गया है, और मैं आपको बता दूं कि नाविक एग्जाम में आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे स्पॉटिंग द एरर के सेक्शन में से, इंग्लिश के पोर्शन में। तो देखिए क्वेश्चन गिवन है कि चिल्ड्रंस हु हैव हैड गुड प्री स्कूल एजुकेशन आर मोस्टली लाइक टू आउटडू अदर चिल्ड्रंस इन स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चिल्ड्रन है, ठीक है, ये जो चिल्ड्रन दिया गया इसके पहले जो है आपको दी चिल्ड्रन का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है दी चिल्ड्रन आएगा, क्योंकि देखिए कि यहाँ पर जो है चिल्ड्रन स्पेसिफिक कंडीशन में आया है, ठीक है, क्योंकि अदर चिल्ड्रन की अपेक्षा जो है इनको एक मतलब हम बोलते हैं ना विशेष रूप से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चिल्ड्रन की जगह पे दी भी आएगा, तो इसके पहले ही पार्ट में जो है एरर है, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे देखिए आपको फिर से एक एरर वाला क्वेश्चन दिया गया है, और आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो क्या दिया गया है कि सी वाज टोल्ड टू गिव द अवार्ड टू हूएवर सी थॉट हैज डन द मोस्ट फॉर द डाउन टू अर्थ, सॉरी डाउन टू अर्डन, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कहां एरर है। तो देखिए कि यहां पे ये जो हैज डन है, ठीक है, ये जो आपको ऑप्शन सी के अंदर हैज डन दिया गया है, इसकी जगह पर जो है हम यहाँ पे हैज नहीं हैड डन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए सेंटेंस जो है ये पास्ट में है, ठीक है, और रूल्स क्या होते हैं, तो रूल्स यही होते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जो है इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते टाइम पास्ट परफेक्ट में जो है बदल दिया जाता है, ठीक है ना। तो रूल्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हैज नहीं आएगा, यहाँ पर हैड आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे देखिए आपको वेन डायग्राम का क्वेश्चन गिवन है, और आपको बताना है कि नीचे दिए गए गोले में अपराधी, चोर और जज के बीच में जो है वेन डायग्राम किस टाइप से बनेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आपके इसके लिए सूटेबल ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों कि चोर जो होता है वो भी अपराधी ही होता है, ठीक है, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा अपराधी, और अपराधी की कैटेगरी में आ जाएगा चोर, क्योंकि चोरी करना जो है वही अपराध माना जाता है। तो अपराधी की कैटेगरी में आएगा चोर, और जज जो है ये इनमें से अलग हो जाएगा, क्योंकि जज जो है इनको सजा देता है या फिर इनका फैसला करता है, ठीक है। तो इसके लिए उपयुक्त देखा जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगर आपको इनमें से और किसी ऑप्शंस को लेकर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपको एक डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि दिशा परीक्षण का। और मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन आपको इसका देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि मैं 10 मीटर पूर्व की तरफ चलने के बाद में बाएं मुड़ा और 5 मीटर तक चला। तो चलिए क्वेश्चंस के साथ साथ इसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि मैं 10 मीटर पूर्व की तरफ चलने के बाद में, ठीक है। चलिए तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से मैं चलना शुरू करता हूँ और 10 मीटर में पूर्व की ओर चलता हूँ। चलिए 10 मीटर पूर्व की ओर हम आ गए और उसके बाद बोलता है कि मैं बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। तो बाएं मुड़ेगा यानी कि उत्तर दिशा की ओर मुड़ेगा और 5 मीटर चलेगा, ठीक है। अब बोला कि 10 मीटर चला बाएं मुड़ करके, ठीक है, फिर से जो है बाएं मुड़ करके 10 मीटर चला, यानी कि फिर से पश्चिम की ओर चला 10 मीटर। चलिए अब बोला जा रहा है कि एक बार फिर जो है बाएं मुड़ करके 10 मीटर चलता है, यानी कि अब यहां से फिर बाएं मुड़ेगा और फिर से जो है 10 मीटर चलेगा। तो 10 मीटर चलेगा यानी कि यहां पर पहुंच जाएगा। तो अभी जो है ये यहां पर है, तो अब क्या पूछा जा रहा है कि अब मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूं। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु इसका ये है, ठीक है, और अभी भाई साहब जो है ये यहां पर है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये कौन सी दिशा में है, तो ये दिशा जो है, जो प्रारंभिक बिंदु वाली दिशा, ये उत्तर दिशा है, आपको दिख रही है, और ये जो दिशा है ये दक्षिण दिशा है, ठीक है ना। तो यहां पे जो है इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहां पर देखिए पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन गिवन है, जो कि फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस में से आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एकाध देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको बोला जा रहा है कि ये कोई एक पेपर का फिगर है, ठीक है, जिसको कि आपको इन एरोज के अकॉर्डिंग मोड़ना है, यानी कि सबसे पहले आपको जो है इसको हाफ फोल्ड करना है और उसके बाद में जो है अगेन इसको हाफ फोल्ड करना है, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको इसमें एक कट लगाना है। तो अब आपको पूछा जा रहा है कि इसको जब आप खोलोगे तो कैसा ये दिखेगा। तो आपको पता है दोस्तों कि इसमें जो है यहाँ पर भी फिर एक कट आ जाएगा, यहाँ पे भी एक कट आएगा और यहाँ पे भी एक कट आएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से ये दिखेगा आपको पेपर जब ओपन करोगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन बी के अंदर गिवन है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पे देखिए आपको एक सिनोनियम पूछा गया है और सिनोनियम के लिए आपको वर्ड दिया गया है एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है ये वैसे, तो यहाँ देखिएगा एट्रीब्यूट्स के लिए आपको सिनोनियम बताना है। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट्स का मीनिंग क्या है, तो ए क्वालिटी ऑफ समबडी या फिर ए फीचर ऑफ, ठीक है, हम बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिनोनियम पूछा जा रहा है ना, तो सबसे पहले मैं इसका हिंदी मीनिंग भी आपको बता देता हूँ। तो एट्रीब्यूट्स मतलब हो जाएगा एक तरीके से विशिष्टता या फिर लक्षण वगैरह, ठीक है। तो जैसा कि आपको ऑप्शन बी के अंदर भी दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो ये जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चलिए बाकी ऑप्शंस का भी मैं मीनिंग आपको बता देता हूँ। तो अचीवमेंट्स का मतलब होता है उपलब्धियां, और डेवलपमेंट मतलब होता है विकास, और ड्रीम्स का मतलब आपको पता ही है सपना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, और यहां देखिए क्वेश्चन गिवन है कि द लॉयर्स क्वेश्चन वाज डैश मिसअंडरस्टूड बाय द विटनेस। तो फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, एडवर्ड आपको सिलेक्ट करनी है, और ऐसे क्वेश्चन भी आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक में जो है आपको एडवर्ड पूछी जाती है, इसके अलावा जो है आपको प्रीपोजिशंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शंस हैं नेचुरली, कंप्लीटली, रॉन्गली या फिर लाइकली। तो क्या आ सकता है यहाँ पर, तो देखिए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्लीटली, ठीक है। तो कंप्लीटली मतलब क्या, तो कम्प्लीटली मतलब कि संपूर्ण रूप से या फिर पूरी तरीके से, ठीक है, यानी कि इन एवरी वे और फुल्ली या टोटली हम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पे देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी आपको यहाँ पर वर्ब सिलेक्ट करनी है, और देखिएगा क्या दिया गया है कि द इंटरव्यूअर आस्क द कैंडिडेट व्हेन ही डैश हिज डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन है विल फिनिशेस, फिनिश्ड, फिनिशिंग या फिर फिनिश। तो देखिए इस सेंटेंस में जो है आपका ऑप्शन नंबर बी फिनिश आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए सेंटेंस जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट देना, तो ये आपके पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच जो वर्ब की पास्ट फॉर्म में भी होगी, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, फिनिश्ड, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 14, और यहां देखिए मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है आपके टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में से। तो क्वेश्चन क्या है कि यदि 8000 रुपए में एक परिवार के 4 लोग जो है ये 40 दिन तक गुजारा कर सकते हैं, यानी कि अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं, तो 10,500 रुपए में 6 लोगों का परिवार जो है कितने दिन तक गुजारा कर सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको जल्दी से बता देता हूं इसको, वैसे कैलकुलेशन में इसमें पूरी नहीं करूंगा, फास्टली कैलकुलेशन में इसमें कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि m d1 अपॉन में
डब्ल्यू वन, ठीक है, और इज इक्वल टू मत होता है आपका एम टू डी टू अपॉन डब्ल्यू टू, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या बात पूछी गई थी कि चार लोगों की बात हुई थी, ठीक है, तो चार लोगों की बात हो रही है तो फोर इंटू और कितने दिन, 40 दिन, ठीक है, तो यह आ जाएगा 40 अपॉन में कितने रुपए में, तो 8000। वैसे यहाँ पे हम W1 को जो है वर्क के तौर पर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर बात रुपए की हो रही है तो हम इसमें रुपए लिख देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8000। अब ये इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इक्वल टू में आपको दिया हुआ है 6 लोग हैं अब, ठीक है, और डी टू आपको यहाँ पर निकालना है, और नीचे आपको प्राइस कितनी दे रखी है, तो रुपए दिए गए हैं आपको 10000, इस बार 500, ठीक है। तो अब देखिए डी टू कैसे निकालेंगे, तो डी टू निकालते टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये 10500 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके साथ में ऊपर आकर के क्रॉस में, तो 4 × 40, ठीक है, और बट्टा में आ जाएगा आपका क्या 8000 × 6। तो दोस्तों इस पोर्शन को जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसके बाद में आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका 35 डेज। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 35 डेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, और देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके नाविक एग्जाम में एडवांस मैथ्स के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको करने जरूरी हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो क्रमशः आपको 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर गिवेन है, तो उस सबसे बड़ी बांस की छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कि इस कमरे में पूर्णतया रखी जा सकती हो। तो देखिए दोस्तों आपको एक सिंपल सा लॉजिक पता है कि अगर मान लीजिए कि ये कोई कमरा है, ठीक है, तो इसमें जो है हम छड़ी को इस टाइप से तो रखेंगे नहीं क्योंकि लंबी छड़ी आएगी नहीं, हम जो है इसमें विकर्ण के तौर पे रखते हैं, ठीक है, ताकि लंबी छड़ी इसमें आ पाए। तो सबसे बड़ी बांस की छड़ी इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि कमरे का विकर्ण, ठीक है, और विकर्ण निकालना है तो आपको पता ही है फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रूट कर लेते हैं, तो देखिए लंबाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे हाइट, ठीक है, और इनका कर देंगे हम स्क्वायर, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो 25 हो जाता है 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा, और 50 को जो है हम जब सॉल्व करेंगे रूट में से तो ये आ जाएगा 5√2, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी 5√2 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, और यहां पे देखिए आपको एक काफी सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन दिया गया है मैथ्स का। तो क्या बोला जा रहा है कि ए और बी के काम करने की दर जो है वो 2:3 के अनुपात में है, तो उनके द्वारा काम को पूरा करने के लिए गए दिनों के लिए जो है इनका अनुपात क्या होगा, ठीक है, तो काम पूरा करने के लिए लिए गए दिनों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो एक चीज देखिएगा कि कार्य करने की जो दर होती है ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/टाइम के, यानी कि 1/समय के, ठीक है ना। तो ए और बी के लिए जो लिए गए समय का अनुपात होगा, जो आपको 2:3 दिया गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इस बार क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ सीधा सा लॉजिक है कि दर जो होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/टाइम के, तो इस बार क्या हो जाएगा 2:3 की जगह पर 3:2, ठीक है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, और इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले भी करवाया है, आई होप आपको याद होगा ये कैसे सॉल्व किया जाता है। क्या बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 2 पुलों की लंबाई जिनकी लंबाई क्रमशः आपको दी गई है 800 मीटर और 400 मीटर, ठीक है, तो उनको पार करने में क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो हमने कल भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था, तो हमने मान लिया कि ट्रेन की जो लंबाई है ये आपके एक्स मीटर है, ठीक है, हमने मान लिया कि इसकी लंबाई एक्स मीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को इक्वल रख देंगे, यानी कि 800 प्लस x और टाइम कितना लेता है, तो टाइम यहां पर लेता है 100 सेकंड, ठीक है, पर इक्वल टू में हम रख देंगे दूसरा वाला, तो 400 प्लस x अपॉन में इस बार कितना आ जाएगा 60, ठीक है। तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं, वैसे तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 और ये आ जाएगा 3, ठीक है। चलिए 20 से हमने वैसे काट लिया इनको, 20 × 5 = 100 और 20 × 3 = 60, तो अब क्या आ जाएगा ये अपना, तो इनको जो है हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2400 प्लस 3x और इज इक्वल टू में आ जाएगा आपका 2000 प्लस 5x, ठीक है, और इनको जब आप सॉल्व करोगे तो ये देखिए 2x आ जाएगा, और इधर जो है अगर हम देखेंगे तो ये आपका आ जाता है वैसे 400, ठीक है, क्योंकि इधर 2400 है इधर 2000 है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आपके पास में 200 मीटर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 200 मीटर, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गिवन है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम जानते हैं कि लक्षद्वीप जो कि आपके अरब सागर में स्थित है और इसकी राजधानी जो है वो कवरत्ती है। ये क्वेश्चन मैंने वैसे आपको पहले भी बताया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए रिपीट भी आ गया है ये आपके, ठीक है। और अंडमान निकोबार की आपको पता है पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी, दमन और दीव की जो है आपकी दमन हो जाएगी, दादरा नगर हवेली जो है उसकी सिलवासा हो जाती है, चंडीगढ़ की आपको पता ही है चंडीगढ़ है, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गिवन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची इनमें से कौन से देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शंस हैं अमेरिका, कनाडा, ब्रिटिश या फिर फ्रांस। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका के, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पे देखिए जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत जो है इनमें से कौन से देश के संविधान से लिया गया है। शक्तियों का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शंस हैं फ्रांसीसी, कनाडाई, रूसी या फिर ब्रिटिश। तो भारतीय संविधान में जो निहित शक्तियों का सिद्धांत है ना, ये आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज के जो इस वीडियो में है हमने आप लोगों को 20 क्वेश्चंस बताए हैं, उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में जल विसर्जित करती है, ठीक है। यानी कि कौन सी नदी जो है वो जाकर के अरब सागर में मिलती है। तो ऑप्शंस हैं कावेरी, ताप्ती, महानदी या फिर ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो इनमें से जो भी इसका राइट आंसर है वो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा हमारी वेबसाइट को जरूर से विजिट कीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने के लिए। इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जिससे कि आप लोगों को पीडीएफ अपडेट्स और क्लासेस के नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहेंगे। उनकी लिंक्स भी जो है आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।